जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। दोनों जो बातें होंगी विधानसभा भर्ती से संबंधित होने वाली हैं। पहली बात ये, छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे जो सीधी भर्ती वाला ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, तो सीधी भर्ती वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे आप तो आपको मिलेगा जो प्रतिवेदक के पद पर जो भर्ती आई हुई थी उसके लिए क्या कर दिया गया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एडमिट कार्ड में जाकर के यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल इसके नहीं बता रहा हूँ उस वीडियो में, क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेट से एक वीडियो बना के रखा हुआ है जो पहले लोगों ने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं लिंक दे दूंगा तो आप लोग जान पाएंगे कि ये भर्ती कब आई थी और इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, इसमें कैसे आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, कैसे इसका एग्जाम होने वाला है, सारी चीज़ें मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई थी। तो ये पहली बात हुई कि सीजी विधानसभा जो है उसके लिए क्या है, आपको जो सहायक प्रतिवेदक के पद पर जो भर्ती होनी थी उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, आप लोग जाइए और वहाँ पर डाउनलोड कीजिए। दूसरी एक विधानसभा से रिलेटेड ही खबर है जो कि एक खुशखबरी भी है कि जो सुरक्षा पैरी के पदों पर जो भर्तियाँ हुई थी पिछले साल, वह फिजिकल हुआ था, फिर 50 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे गए थे पूरे 50 नंबर के, उसके बाद क्या हुआ था जो लिस्ट आई थी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती में सुरक्षा प्रहरी जो था उसके लिए क्या कर दिया गया है, अंतिम चयन सूची जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इसमें सिलेक्शन की बात कही गई। यहाँ पे जब लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो फाइनल लिस्ट जो है वो डाउनलोड होगी और उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा प्रहरी के पदों पर भर्ती हेतु अंतिम चयन सूची। तो यहाँ पे 10 लोगों का चयन कर दिए गए। देखिए स्टार्टिंग के जो 5 लोग हैं वो अनारक्षित जनरल से हैं, उसके बाद के अनुसूचित जाति से हैं, उसके ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 7, 8, 9, 10 अनुसूचित जनजाति से लोग सिलेक्ट हुए हैं, 38 नंबर के 3 हैं और 37 नंबर तक 2 सिलेक्शन हुए जनरल से, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार मार्क लगा हुआ है उसमें देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में लिखा गया है प्रकाशित विज्ञापन में अंकित शर्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 11 पद थे 10वें पद में क्यों सिलेक्शन हुआ, तो पदों की संख्या इसमें परिवर्तनीय होती है और जो अनुसूचित जाति की जो 2 पोस्ट थी उसको घटा करके 1 पोस्ट कर दिया गया था और 1 पोस्ट में सिलेक्शन लिया है। कुल मिलाकर के 10 लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं विधानसभा में जो सुरक्षा पैरी के पद थे, ठीक है। तो इन सभी 10 उम्मीदवारों को बधाई है बहुत बहुत और आपका जो चयन हुआ है उसके लिए क्या है आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये छोटा सा वीडियो था, कुछ कामों से मैं बिजी था इसके कारण मैं वीडियो आपको जानकारी नहीं दे पाया। तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए जो संवेदक के पद पर है, उसकी जो डिटेल जानकारी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके आपको मिलेगी और जिनका चयन हुआ है सुरक्षा पैरी के पद पर उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और आगे मैं जानकारी दूंगा CGPSC और RRB NTPC जो एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है 28 दिसंबर से जो एग्जाम होने वाले हैं उन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो जानकारी थी बहुत शॉर्ट थी, छोटा सा वीडियो है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।